नमस्कार, मैं रंभा सिंह, सोन इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रोहतास जिला के डेहरी क्षेत्र तार बंगला लकड़ी व्यवसायी सूरज चौधरी को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जो आज उनकी शव यात्रा में हजारों की संख्या में व्यवसायी संघ के लोग शामिल हुए। खबरें विस्तार से मैं बता दूं कि कल लकड़ी व्यवसायी सूरज चौधरी को अपराधियों ने उस समय गोली चलाई जिस वक्त सूरज चौधरी अपनी दुकान शाम को बंद कर अपने घर जा रहे थे और रास्ते में तार बंगला पुल के पास अपराधियों ने सूरज चौधरी को पीछे से सीने में दो गोलियां चलाकर घायल कर दिया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायल सूरज चौधरी को अदरी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में पहुंचाया। वहां घायल स्थिति को देखकर डॉक्टर वीरेंद्र ने बनारस रेफर कर दिया, लेकिन बीच रास्ते में ही सूरज चौधरी ने दम तोड़ दिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस के लापरवाही के चलते बेखौफ अपराधी घटना को अंजाम देकर आसानी से भागने में सफल हो जा रहे हैं। वहीं स्थानीय विधायक इंजीनियर सत्यनारायण यादव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सुनिए रिपोर्ट, डेहरी से रंभा सिंह के साथ ओम प्रकाश सिंह का रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इसमें टोटली प्रशासन की लापरवाही है। अगर प्रशासन, आपने देखा अभी जो FIR इनके परिवारों से जो दर्ज किया जा रहा है, उसमें पूर्व में वो जो मर्डर किया लड़का, वो जो मर्डर किया वो लड़का इनके घर पर आकर के रात को दरवाज़ा पीटता है, खुलवाता है, लेकिन इज्जत बचाने के चलते बावजूद भी समझिए कि परिवार के सदस्य सब थाना को सूचना देते हैं। अगर उस सूचना के आधार पर उस दिन अगर कार्रवाई होती तो इतनी बड़ी दुर्घटना जो घटना हुई है गोलीकांड सूरज चौधरी के संबंध में, कहना ये है कि हम लोग व्यवसाय को सुरक्षा चाहिए, लकड़ी व्यवसाय को सुरक्षा चाहिए। हम लोग शांति मार्च के रूप में उनके दाह संस्कार करने जा रहे हैं। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और ये क्या नाम है, उनको जो उचित मुआवजा हो सरकार से वो सुरक्षा मिलना चाहिए। तत्काल अपराधी जो गोली मारा है उसको गिरफ्तार होना चाहिए। मजबूत करना होगा, इसलिए कि लेके 200 गज की दूरी पर इस तरह की घटना हो रही है। पेट्रोलिंग गति को थोड़ी तेज करनी होगी और या मान ली इस तरह की घटना कैद हो चुका थाने के करीब ही हो रही है घटना है, इसमें थोड़ा सा पेट्रोलिंग वगैरह को तेज करना होगा, जा करके डेहरी शांत रह पाएगा, अन्यथा अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही चला जाएगा। सब रोकने की व्यवस्था करनी होगी। राम राम सत्य है।